हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी में है ड्राई फ्रूट लड्डू की रेसिपी। इसको बनाना बिल्कुल ही आसान है। सर्दियों के लिए खास एक मिठाई है, ये दवाई भी बोल सकते हैं आप इसको, क्योंकि पूरे दिन में इसे एक ही खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ड्राई फ्रूट लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है 1 कटोरी काजू, रफली ग्राइंड किया है इसे मैंने। 1 कटोरी बादाम लिया है, 1 कटोरी किशमिश ली है मैंने यहाँ पे, 1 कटोरी सूखा गोले को मैंने क्रश कर दिया है, 1 कटोरी मखाना लिया है इसको भी हल्का सा क्रश कर दिया है, 400 ग्राम गुड़ लिया है, 3 से 4 इलायची का पाउडर, 4 से 5 पिस्ते लिए हैं यहाँ पे। पिस्ता इसलिए कम लिया है क्योंकि इसमें थोड़ा सोल्टी टेस्ट होता है, तो फिर थोड़ा सा लिया है मैंने यहाँ पे। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। फ्राई करेंगे हम इसको देसी घी में। यहाँ 3 से 4 चम्मच हम देसी घी ले लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है क्योंकि सबसे पहले हम किशमिश को फ्राई करेंगे। जैसे ही घी हल्का सा गर्म हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे 1 कटोरी किशमिश। किशमिश हम इसलिए पहले डाल रहे हैं क्योंकि ये अगर सारे ड्राई फ्रूट के साथ डालेंगे तो ये थोड़ी काली काली सी हो जाएगी, तो हम इसको पहले ही डाल रहे हैं। इसलिए किशमिश फूल गई है, 1 मिनट के अंदर ही हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी घी में हम डाल देंगे सारे काजू, बादाम डाल देंगे, मखाना डाल देंगे सब, पिस्ता डाल देंगे, अब इन सबको मिक्स कर देंगे अच्छे से। 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे हम इसको घी में। कलर नहीं बदलना है इसको, बस इसमें थोड़ा सा क्रंची टेस्ट आ जाए इतना ही फ्राई करेंगे हम इसको। सारे ड्राई फ्रूट्स को एक प्लेट में निकाल लेंगे, उसी प्लेट में निकालेंगे जिसमें हम लड्डू बांधेंगे सारे के सारे। ये सारे ड्राई फ्रूट प्लेट में डाल लिए हैं। अब हम जो ये सूखे गोले को हमने क्रश किया था उसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, बिना घी के सेकेंगे इसको थोड़ा सा। इलायची पाउडर डाल देंगे, बस 1 से 2 मिनट के लिए ही करेंगे इसको। कलर चेंज नहीं करना है। अब इसको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। सारे ड्राई फ्रूट हमारे फ्राई हो गए हैं, अब हम करेंगे गुड़ का काम। मीडियम फ्लेम पे चलाएंगे इसको। गुड़ हमारा मेल्ट हो गया है, आप चाहें तो चीनी भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ गुड़ लिया है क्योंकि सर्दियों में गुड़ ज़्यादा ठीक रहता है, सर्दी से भी बचाता है। अब धीरे धीरे करके हम इसमें सारे ड्राई फ्रूट डाल देंगे। आप चाहें तो थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल के मिक्स कर दें, फिर थोड़े से और डाल दें, फिर मिक्स कर दें, लेकिन मैं यहाँ सारे ही डाल रही हूँ कि एक ही बार में मिक्स हो जाएंगे। गैस का फ्लेम लो है इस टाइम पर। यहाँ जितना भी काम हम गैस पर करेंगे सारा लो फ्लेम पर ही करेंगे क्योंकि हमें कुछ भी कलर किसी चीज़ का डार्क नहीं करना है, बस उसे इतना सेकना है कि उसका टेस्ट अच्छे से क्रंची हो जाए बस। अभी सारे ड्राई फ्रूट हमारे गुड़ के अंदर मिक्स हो गए हैं, अब हम इसके लड्डू बांधेंगे। उसी प्लेट के अंदर लेके मैं लड्डू बनाने की तैयारी कर रही हूँ। थोड़ा सा हाथ में लेंगे और उसे पुश करते हुए लड्डू बांध लेंगे एक एक करके। इस तरह एक एक करके मैंने 4 से 5 लड्डू बांध लिए हैं। ये लास्ट लड्डू भी मैंने तैयार करके रख दिया है। पास से दिखाऊं मैं थोड़ा इसे, ये देखिए एकदम परफेक्ट बन के तैयार हुए हैं लड्डू। आप भी बनाइएगा घर पर
और बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपके ये लड्डू कैसे बने। बच्चों को तो ज़रूर दीजिएगा इस सर्दी में ये लड्डू, और जाते जाते एक लाइक भी कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय बाय।